बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर उठा बवाल, शुक्रवार को रांची तक पहुंच गया। जुमे की नमाज के बाद मेन रोड में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नारेबाजी के बाद अचानक पथराव शुरू कर दिया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। उग्र प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज भी किया गया। पथराव और लाठी चार्ज में एक दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इस हंगामे के बाद रांची जिला प्रशासन ने सुजाता चौक से फिराया लाल चौक मेन रोड तक और उसके दोनों ओर 500 मीटर की दूरी तक धारा 144 लागू कर दी है। इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमा होना वर्जित रहेगा। जानकारी के मुताबिक हालात को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और बड़ी तादाद में पुलिस कर्मी बुलाए गए थे। हंगामे की वजह से मेन रोड में लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में सभी दुकानें बंद करनी पड़ी। शहर के डोरंडा इलाके में भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को शहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दुकानें बंद रखी। शहर का डेली मार्केट सुबह से पूरी तरह बंद था। दो बजे नमाज के बाद हजारों लोग नारे लगाते हुए अचानक मेन रोड पर उतर आए। भीड़ जब भगदड़ की शक्ल में मेन रोड एकरा मस्जिद से आगे बढ़ने लगी तो पुलिस बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। सड़क किनारे खड़ी कई बाइक और गाड़ियां तोड़ दी गईं। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कबर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए अभी पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। इस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इसके बाद भी हालात काबू में नहीं आए तो कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। इस घटना की खबर फैलते ही शहर के कई इलाकों में दुकानें बंद हो गई। रांची के SSP सुरेंद्र कुमार झा और CTSP अंशुमन सहित कई वरीय पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।